Hello kids. Hi sir. How are you? I'm fine, thank you. तो आज हम एंगल टेस्टर बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है? एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है. Yes. कौन कौन से एंगल्स हैं? समकोण, समकोण, चार टाइप के कोण आपने पढ़े, ठीक है? अब ये बताओ, समकोण को इंग्लिश में कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल. न्यून कोण को? एक्यूट एंगल. वेरी गुड. और अधिक कोण को? ओब्ट्यूस एंगल. ठीक है, ओब्ट्यूस एंगल. आज देखो एंगल टेस्टर बनाना सीखने वाले हैं. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है. यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज कॉल्ड अ डिवाइडर. ठीक है, तो ये है वो डिवाइडर. ठीक है, ये सबके ज्योमेट्री बॉक्स में है. तो इससे हम एक्चुअली करते क्या हैं, इससे हम नापते हैं क्या, एंगल्स. अब एंगल्स कैसे नापेंगे हम, इसको पहले हम किसी भी फिगर के ऊपर रखेंगे और सेम इसी को हम किस पे नाप लेंगे. फिर आपके पास एक चांदा है, ठीक है, चांदे पे हम इसको रख के नाप लेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है. अब देखो, या तो आपके पास ये हो, अगर आपके पास ये नहीं है डिवाइडर, तो आप खुद से भी बना सकते हैं. आप खुद से कैसे बनाएंगे वो आपको सीखना है. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको दो कागज के स्ट्रिप्स चाहिए. ठीक है, दो कागज के स्ट्रिप्स ऐसे काट सकते हो आप. एक कागज का स्ट्रिप ये हो गया और दूसरे कागज का स्ट्रिप ये हो गया. अब आपको क्या करना है, जो इनके पीछे वाली जो साइड है, या तो इस साइड से ले लो या इस साइड से ले लो. अब आपको इन दोनों साइड्स को क्या करना है, यहाँ पे किसी चीज़ से जोड़ देना है. लेकिन जोड़ना ऐसे है कि ये जो साइड्स हैं दोनों क्या कर सकें, मूव कर सकें. ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं. लगा के दिखाना जरा, यहाँ पर कोई लगा दो, आप लगा दो, माचिस की तीली लगा दो या कोई भी स्ट्रिप लगा दो. ठीक है, ये लगा दिया जैसे हमने. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मूव हो सकते हैं. अब देखो, बिल्कुल ये डिवाइडर की तरह फंक्शन कर रहा है. जैसे डिवाइडर हमारा काम करता है वैसे ही काम कर रहा है ये भी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये बताओ. न्यून, न्यून. और जब हम इसको बिल्कुल एल बना देंगे, इन दोनों से मिलकर क्या बनाना है हमको, एल. ठीक है, तो तब क्या बनेगा इससे, जैसे देखो हमने ये बना रखा है लकड़ी से. ठीक है, ये देखो. ठीक है, ये बना हुआ है, ये बच्चों ने बना रखे हैं. ठीक है, ठीक है, तब हम इससे नापने की कोशिश करते हैं, जो ये वाला जो बना हुआ है. ठीक है, इससे हमने क्या बनाया पहले, पकड़ के रखो, ये हो गया बिल्कुल. क्या बन गया इससे, L. कौन सा एंगल है अभी ये, समकोण, या कितने डिग्री का, 90 डिग्री का. ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल. अब जैसे ही ये लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी, अब क्या बना, कौन सा कोण बनाइए, अधिक कोण. ठीक है, अब देखो, अब उनके पास एक एक्सरसाइज है, उन्होंने आपको एक काम करने को बोला है. क्या करना है आपको, गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल. आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स. अब आपको बताना है कि हमारी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें इस टेस्ट, जब हम इस टेस्टर को एक एल शेप में खोलते हैं, मतलब कितने कोण पे खोलते हैं, सम कोण पे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर कि ये राइट एंगल बन रहा है, कोई बता सकता है, बना के दिखाओ, बताओ. हाँ, करके 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 दिखाओ सर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बन रहा है जी. हाँ, बना के दिखाओ. वेरी गुड. हाँ, ये बन रहा है यहाँ पे. तो ठीक है, आप इस टेबल का फिगर बना सकते हैं बुक में. और सर, विंडो, विंडो पे करके दिखाना जरा, करके दिखाना विंडो पे. वेरी गुड, यहाँ पे बन रहा है एक. और सर, अलमारी, करके दिखाना, अलमारी पे करके दिखो. वेरी गुड, अलमारी. और दरवाजे पे करके दिखाओ. वेरी गुड. और सही से लगाओ. ठीक है, और इसके अलावा बेंच करके दिखाओ, बेंच पे. बेंच. और फर्श पे कहीं बन सकता है, फर्श पे बना के दिखाओ. फर्श पे, फर्श पे कैसे बनेगा, बना के दिखाओ, करके दिखाओ. हाँ, बना के दिखाओ. ठीक है, ओके. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्या करनी है, अपनी बुक में ड्रॉ करनी है. ठीक है, ये वाला जो स्पेस बना हुआ है इसमें आपको क्या करनी है, उसे ड्रॉ करनी है. लेकिन
जो ये टेस्टर हमने यूज किया अभी, इस टेस्टर से हम क्या 90 डिग्री के एंगल्स के अलावा कोई और एंगल्स भी नाप सकते हैं? यस सर। सारे एंगल्स नाप सकते हैं हम, कौन से अधिक भी नाप सकते हैं आप, न्यून कोण भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टेस्टर को यूज कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली एल शेप में पकड़ा है, तो वो सारे एंगल्स जहाँ जहाँ पर भी आप नापेंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 के। और अगर आप इस लाइन को इसके नीचे की तरफ लेके चलते हैं, मतलब अगर न्यून की डायरेक्शन में 90 डिग्री से कम में लेके चलेंगे, तो वो सारे कोण क्या होंगे? न्यून कोण। और 90 डिग्री से ज़्यादा भी लेके चलेंगे ऐसे में, तो वो क्या होंगे? अधिक कोण। क्लियर है? कर लोगे? अब देखो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पर क्या बनी हुई है ये? कैंची। वो बोल रहे हैं कि क्या ये राइट एंगल है, क्या ये मोर देन राइट एंगल है, क्या ये लेस देन राइट एंगल है? बताओ, लेस देन राइट एंगल है, ठीक है, लेस देन राइट एंगल यहाँ पर टिक हो रखा है। अब देखो यहाँ पर हाथ में कौन सा एंगल बन रहा है इसका, ध्यान से देखो, राइट एंगल, राइट एंगल। यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? राइट एंगल। यहाँ पे मोर एंगल, मोर देन राइट एंगल। और यहाँ पे मोर देन राइट एंगल। क्लियर है? यस सर।